कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि हमें ऊपर से भी निर्देश था कि 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है आफ्टर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और यहाँ भी यही सूचना दी गई थी। कतिपय कारणों से हो सकता है आपको सूचना का अभाव कुछ पहले का हो गया और आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मुझे तो जो निर्देश था इसीलिए मैंने 12 बजे के बाद आपसे वार्ता करना उसे समझा। अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। पिछले 6 साल में जो योगी जी की सरकार नंबर 1 और नंबर 2 चल रही है, नंबर 1 पूरी हो चुकी, उसमें जितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का, परसेप्शन बदल गया उत्तर प्रदेश। एक मैं व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि अभी इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए हम पेरिस गए, मुझे पेरिस भेजा गया था सरकार की ओर से, नीदरलैंड। पेरिस में एक इत्र की दुकान पर जब मैं इत्र खरीदने गया तो फ्रेंच में उस लड़की ने बात की मुझसे सबसे पहले, और जब मैंने कहा आई डोंट नो फ्रेंच, तो वहां खड़े हुए उनके साथ जो कलीग था उसने पूछा यू आर फ्रॉम, मैंने कहा आई एम फ्रॉम यूपी इंडिया, फ्रॉम योगी स्टेट, फ्रॉम मोदी कंट्री। ये परसेप्शन बदला है हमारे दोनों नेताओं ने डबल इंजन की सरकार, वेलकम वेलकम। इससे पहले जो सरकारें रही तो भारतीय को बड़ा थोड़ा कमतर दृष्टि से देखा जाता है, आज उससे ज्यादा उत्साह से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब वेस्ट के बैंक की बात कर रहा था मैं देशों में, उत्सुक थे वो और वो खुद कहते थे उत्तर प्रदेश बदल रहा है, हर दृष्टि से बदल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बताया, क्योंकि संक्षिप्त में प्रारंभ करना चाहूंगा अगर आपके समक्ष, तो विकास का द्वार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से, किसी भी जगह चाहे शहर हो या प्रदेश हो या देश में, और उत्तर प्रदेश में पिछले दौरान 6 साल के अंदर एक्सप्रेस वेज बने हैं, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं, जो पहले सिंगल लेन थी अब 4 लेन की हो रही है, 4 लेन वाली 6 लेन की हो रही है, एलिवेटेड रोड, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स, उनका जाल बिछ रहा है, आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज ये बन रहे हैं, एयरपोर्ट 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेट बनने वाला है हमारा उत्तर प्रदेश, किसी और प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और भी है, और वाटरवे पहली बार शुरू हो रहा है प्रदेश के अंदर। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से आम जनमानस के विकास के द्वार समृद्धि के द्वार, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी जी की सरकार की। कुछ ही बातें बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि विस्तार में योगी जी बता चुके हैं अभी आप लोगों के समक्ष। विद्युत वितरण, एक समय था कि बिजली कितना आती है ये पूछा जाता था, आज कभी कभार किन्हीं कतिपय कारणों से जाए तो जाए, वरना बिजली का वितरण बहुत चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो वहां होता है। कृषि में कृषि को शिक्षा से जोड़ा गया और उसमें उसका विकास के लिए नई नई तकनीक अपनाई, ड्रोन सिस्टम शुरू किया गया, किसानों को ड्रोन से इंट्रोड्यूस कराया गया, नई तकनीकों से इंट्रोड्यूस कराया गया। शिक्षा की जहां तक बात करें, क्योंकि ये मेरा भी डिपार्टमेंट है शिक्षा, इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर B+ रैंकिंग का भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था। नेक रैंकिंग होती है जो बताती है कि किस विश्वविद्यालय का स्तर कितना ऊंचा उठ चुका है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कुलाधिपति जी के नेतृत्व में जो दिशा मिली है शिक्षा को, तो 4A++ जो सब सर्वोच्च रैंक होती है, 4 विश्वविद्यालय को मिल चुकी है।
जिसमें एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी, 5 निजी विश्वविद्यालय को ए डबल प्लस मिल चुकी है। यह स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। विदेशों में जो बच्चे जाते थे पढ़ने वहाँ पे कोई विशेष शिक्षा लेने, उन यूनिवर्सिटीज को से वार्ता चल रही है कि वो अपने डिपार्टमेंट हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज में आ सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश एक तो शिक्षा का हब बनेगा, दूसरा यहाँ के जो वंचित छात्र हैं जो विदेश नहीं जा सकते वो यहीं पर उस शिक्षा को विशेष शिक्षा को प्राप्त कर सकते। ऐसे ही 11 नए निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जा चुके हैं और नए निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुलेंगे। 4 सरकारी विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है और वहां पर काम शुरू हो गया है, पढ़ाई का, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था का। और अभी देवीपाटन और मिर्जापुर में इस बजट पर प्रावधान किया गया कि वहां भी नए विश्वविद्यालय बनेंगे। हर मंडल में एक राजकीय विश्वविद्यालय अवश्य हो, यह योजना पर भी हमारी सरकार ने काम किया और उसको पूरा कर रहे हैं। तो जो वादा करते हैं उसे निभाते भी। खेलकूद भी एक बहुत बड़ा चैप्टर था जिसमें वंचित थे हिंदुस्तान के लोग और उत्तर प्रदेश खासतौर से। आज नई खेल नीति ऐसी बनी है जिसमें नई प्रतिभाओं को अवसर मिले। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं का अभाव नहीं है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला। अब अवसर मिलेंगे नई खेल नीति से, उनके लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से 172 राजकीय महाविद्यालय में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, 120 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, 100 जिम खोले जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में और 82 स्टेडियम ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वदेशी वस्त्रों पर निर्मित करने वाले जो गांव में निर्मित करते हैं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसी 50,000 ग्रामोद्योग इकाइयां का गठन हो चुका है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में उनके उत्पादन को जो आगे ग्रामीण के लोग करते हैं एक नई दिशा मिली है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे निर्यात बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। लोकल के लिए वोकल होना और उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देना। आज हर डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोडक्ट है वो निर्यात हो रहे हैं, यानी समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट विदेशों में पॉपुलर हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो मीट हुआ अभी उसमें 32.92 लाख के MOU हुए हैं जिसमें 17 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये नई स्टार्टअप नीति, नई IT नीति, नई डाटा सेंटर नीति, इसके का जो इंट्रोड्यूस की है उससे उत्तर प्रदेश IT का हब बनेगा। अभी तक IT का तेलंगाना, हैदराबाद वगैरह, बेंगलोर, अब उत्तर प्रदेश भी हब बन सके इसके लिए नई नीतियों का प्रादुर्भाव किया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और उससे ये आगे होगा। मैं अब आता हूँ तो प्रदेश की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बता चुके हैं। फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो 1 साल के अंदर काम हुए हैं आपको ये लिटरेचर मिलेगा वैसे, लेकिन 13,089.22 लाख करोड़ की सड़कों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है जो 387.21 किलोमीटर की है जिसकी नाम। इसी तरह परियोजनाएं 107.04 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं आपके फरुखाबाद में। डिटेल इसमें है वैसे मैं आपको अभी ये बताऊंगा, अभी तो मोटा मोटा बता दूं। 1412.03 लाख की चिकित्सा की सुविधाएं आपके शहर को, जिले को उपलब्ध कराई गई है। 26.648 करोड़ के नगर विकास के काम शुरू हुए हैं। भू माफियाओं के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई, ऊर्जा के अतिरिक्त सोर्स के लिए कार्रवाई, पशुपालन में नए गर्भाधान वगैरह जो नए अनुकूल के लिए
शिक्षा के क्षेत्र में 213.34 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट क्लास और उनके विकास की दृष्टि से काम किए जा रहे हैं। कई कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की चल रही है वह यहाँ पर भी है। ग्राम विकास की योजनाएं जिसमें से 70 से 51 परिवारों को आवास स्वीकृत हुए हैं, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे जनता को मिला है। इस तरह अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता यदि किसी ने की है तो डबल इंजन सरकार ने की है, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार। और पहली बार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि सत्ता की लाभ की भागीदारी उसके घर तक पहुंच रही है। यह सब किया गया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का पूरा परिदृश्य बदल गया, कलेवर बदल गया, सोच बदल गया है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो पहले हर समय पिछड़ा माना, नीचे से नंबर आता था, आज कई योजनाओं प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान है उसका पूरे देश के अंदर। तो ये उपलब्धि है हमारी सरकार की, योगी जी की सरकार की, डबल इंजन सरकार की, मोदी जी की सरकार की। मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से सांसद है, यहाँ पे विशेष ध्यान देते हैं और योगी जी तो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक टीम वर्क से जो काम हो रहा है उससे प्रदेश का विकास हो रहा है, आम जनमानस का स्तर सुधर रहा है और उत्तर प्रदेश की लोग पूरा विश्व आशा की दृष्टि से देख रहा है, अपने संभावना तलाश रहा है। यह नई उपलब्धि हमारी सरकार की। विकास के योजना यहाँ लागू नहीं की गई और ना ही कोई बड़ी सौगात मिली है, जैसे ना तो यहाँ को नगर पालिका फरुखाबाद को निगम का दर्जा मिला, ना कोई मेडिकल कॉलेज मिली, ना गंगा एक्सप्रेस मिला, ना कोई आलू उत्पादन के लिए मशहूर जनपद है, ना इससे आधारित कोई प्लांट लगा। देखिए आपके यहाँ पर मैंने अभी बताया 13,089.22 करोड़ से 387.21 किलोमीटर सड़क बन गई, ये विकास का नया द्वार खुला है। तो आप कह रहे हैं और परियोजनाएं 107.04 करोड़ नई नई परियोजना, जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, मोहम्मदाबाद में जनपदी ड्रग वेयर हाउस, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु एकेडमिक ब्लॉक, आपके फतेहगढ़ की पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, परिषद कार्यालय के भवन तक प्रगति पर है, रेल आरओबी रेलवे ऊपर गामी सेतु का निर्माण प्रगति पर है, शुभ्रल्लापुर क्रॉसिंग पर न्यायाधिक अधिकारीगण के आवास, पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के हेतु हॉस्टल। तो ये सब जब बनता है तब कानून व्यवस्था भी अच्छी होती है, सुविधा और संसाधन दोनों जुटने से पूरा सिस्टम। सर 5 करोड़ के ऊपर की जितनी औवनी की दृष्टि से हम लोग अब जो प्रभारी मंत्री बने हैं समीक्षा करने आएंगे और उसमें गति कैसे प्रदान हो इसके लिए हम लोग ITI और पॉलिटेक्निक 70 की मशीनों पे बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, कोई उनके पास नए संसाधन नहीं है और हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं। देखिए गिलास आधा गिलास पूरा खाली था, पहले आधा भरा है, अब दृष्टि दो है, एक कहेगा कि आधा भर गया भाई सालों में और एक कहेगा कि अरे क्या उसने आधा खाली आधा खाली आधा खाली। एक सकारात्मक सोच है एक नकारात्मक सोच, तो हम सकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहे हैं, जो आधा खाली भरा तो पूरा खाली था आधा भर गया, अब आधा और भरेंगे, जो आपने मुझे इंगित कराया इसको मैं ध्यान में रखूंगा। उच्च शिक्षा में विद्यालय आपने चिन्हित करा दिए लेकिन उच्च शिक्षा में शिक्षक नहीं है, पर फतेहगढ़ के DN डिग्री कॉलेज में पिछले कई वर्षों से MA इंग्लिश से कराया जा रहा है, इंग्लिश का प्रवक्ता पिछले 7 सालों से नहीं है। शीघ्र ही उसके वैकेंसी क्रिएट होने जा रही है और उसमें उनका वैकेंसी भरी जाएगी बहुत जल्दी। उच्च शिक्षा संवर्धन योजना में 150 ऐसे शिक्षक हैं जिनको आपकी योजना में लाभ देना था लेकिन अभी तक आपके यहाँ से लाभ नहीं दिया गया उनको, मुझे अवगत कराइएगा, जो लाभ मिलना होगा मिलेगा जरूर। उनका वेतन ही रुका हुआ साहब 3 साल से, आपकी सरकार ने 2 साल दिया 3 साल नहीं दिया। अभी पहला स्टेप है, हर मंडल में एक विश्वविद्यालय रांची निजी विश्वविद्यालय कहा जाए, फरुखाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय को अनुमति मिली है, उसको
जिसको पहला चैप्टर पहला स्टेप होता है आशय पत्र का, वो मिल चुका है। अब उनको आशय पत्र के बाद 2 साल के अंदर अपना काम को पूरा करना। अमृत तालाब सर अभी मिला है थोड़ी देर पहले। अमृत तालाब योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है सर, उसको भी दिखवाइए जरा। बिल्कुल दिखवाएंगे। नए डॉक्टर्स की भर्ती होगी, उनका भी नियुक्ति की जाएगी, ये भी चल रही है प्रक्रिया, और उसमें नए डॉक्टर्स आएंगे तो आपको भी बताया पूरी हो जाएगी। एक प्रश्न और है सर, जो कल आपके फुरकत महोत्सव का जो उद्घाटन किया है उसमें जिसने पौधा लगाया शुरू से 1997 से डॉक्टर रामकिशोर राजपूत, ना तो उनको बुलाया गया और ना ही उनका कोई सम्मान हुआ, ना उनको कोई बोलने का मौका दिया गया। सिंचाई विभाग में कई मामले विचाराधीन है जिनकी जांच चल रही है कई वर्षों से। नलकूप विभाग में वेतन का भ्रष्टाचार हुआ, उसमें एक आदमी केवल जेल भेजा गया, बाकी जो सीनियर है वो अधिकारी उसी सीट पे जमे हुए हैं। आप ही कह रहे हैं जांच चल रही है, यानी जांच तो शुरू हुई, दायरा होना चाहिए। एक आदमी कह रहे हैं जेल गया, पहले जेल के लिए पूछा था, जाने का नंबर आ गया। सरकार है, जांच प्रभावित कोई नहीं कर सकता। समय 3 साल होता है ना, 5-5, 8-8 साल से कुछ लोग कटे हुए हैं। सर बेसिक शिक्षा में विज्ञान विज्ञान की लेबोरेटरी खोली गई थी, लेकिन अभी तक वहाँ बच्चों को कैसे ले जा रहा है, कोई टिका रहता है, वो जांच प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभारी मंत्री सरकार लंबे समय तक नहीं बदलेगी, चिंता मंत्री यार समीक्षा कर चुके हैं भ्रष्टाचार की स्थिति जनपद में। देखिए अभी समीक्षा नहीं हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायतें कुछ आई है मेरे पास, उसे कहने में संकोच नहीं। मैंने उनसे कहा एक्सप्रेस को भी लिख दी, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, और अगर उसे बचाने की कोशिश कोई भी करेगा अधिकारी वो नहीं बच पाएगा। प्रभारी मंत्री के रूप में हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराऊंगा और जिला प्रशासन से बात भी करूंगा, घोषित करते हुए कार्रवाई हो। ये बुलडोजर वाली सरकार पहले भी कई मंत्री आए, उनको मंत्री जी को भी कराया गया, तो बाद में सर आया गया। कई सवालों का मंत्री आप जवाब नहीं दिए हैं। पहले देखिए प्रभारी मंत्री बदलने का कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, हर जिले में घुमाया गया, हर मंत्री ने हर मंडल को समझा, वहाँ के कार्यकर्ताओं को समझा, वहाँ की समस्या को समझा, यानी प्रदेश का मंत्री प्रदेश समझेगा। अब स्थायी रूप से एक मंत्री को बता दें, आप देख ना पाए इसलिए आपको 1 फरवरी दूसरे रास्ते से ले जाया गया। आप इसको पढ़िएगा, उस पर काम चालू हो रहा है, दूसरे रास्ते से इसलिए दिया गया, हम दोनों रास्ते देख रहे हैं, जाने वाला भी आने वाला भी, तो उसके लिए कुछ करें तो सरकार। 3 साल हो गए वो सड़क पे, 300 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, प्रतिदिन 2 हादसे होते हैं सर उस रोड पे, और नेशनल हाईवे के लोग उसको सुनने को राजी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 3 बार उसके खिलाफ वीडियो लिख चुके हैं। आप भी सर उधर से ही आए अभी अहमदाबाद हो गए सर, आवास विकास में सर आए दिन सर जाम लगता है, अहमदाबाद में भी जाम लगता है सर, अभी हटाओ
समाज और सरकार दोनों साथ साथ निकले होंगे तब तक परिवर्तन नहीं आ पाएगा। जब एक बार सरकारी तत्व हटा दिया तो क्यों बार बार लगा रहे हैं, बार बार लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। हमको भी तो देश के प्रति और शहर के प्रति की जागरूकता होगी। जैसे कि ये फरदाबाद महोत्सव अमृतसर और उन्हें क्रांतिकारियों ने देश स्वागत कराया, तो आपकी कोई भी चीज़ सम्मिलित की गई है जिससे कि पता चले युवा जो है हमारे उनको ये इतिहास पता चले कि देश को किसने आगत कराया था, क्या ऐसी कोई चित्र या फोटो वहाँ पे लगवाई है? देखिए यहाँ के उत्पादों को बहुत बढ़ावा मिला, यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा मिला। अब शुरुआत है, जो चीजें रह जाएगी शुरुआत में पूरा किया जाएगा। नहीं तो इसमें हम इसकी किसकी गलती माने, सरकार गलती माने या किसी गलती मिला उसकी तारीफ करो ना। समीक्षा के लिए इसीलिए हो रही है। मेरे पास इसके लिए कोई भी अनुमान नहीं है, कोई भी